हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय है तो आज हमारे गार्डन बाय द बे तो गार्डन बाय दबे एक तरीके से मरीना बे में है क्योंकि मरीना बे बहुत बड़ा है और आप गार्डन बाय दफे देख देख के थक गए होंगे गए राइट नाइट का व्यू लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे डे का व्यू तो वैसे गार्डन बाय द बे बहुत बहुत बड़ा है हमें समझ ही नहीं आता भाई हम कहाँ से कहाँ जाए ठीक है तो आज हमने सोचा इस रूट से जाते हैं क्योंकि सूट से हम पहले कभी नहीं गए और यहाँ पे हमने देखा एक लेट जिसमें लोटस थे और उसमें एक ब्यूटीफुल सा फाउंटेन भी था और यहाँ पे ना बहुत बहुत ग्रीनरी है और बहुत सारे फाउंटेन्स आपको इसमें फाउंटेन्स बहुत दिखेंगे और यहाँ पे ये एक्वेरियम की हमने पहले भी डाली हुई है लेकिन जब हम नाइट में आए थे तो इतना क्लियर नहीं था और यहाँ पे बहुत बड़ी 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 सी फिशेज हैं और टर्टल भी हैं ये देखो बहुत बड़ बड़ी फिश थी उसके बाद हम चलते 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 आ गए हैं चिल्ड्रंस गार्डन में चिल्ड्रंस गार्डन के अंदर जब हमने जाके देखा तो ये वाटर पार्क निकला वाटर पार्क में मेरे को तो बहुत मजा आता है और यहाँ पे और बच्चे भाग रहे थे और अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहे थे लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैंने ड्रेस पहनी हुई थी और सैंडल पहने हुए थे तो इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि मेरे को स्विम सूट पहनना पड़ता अगर मैं इसमें जाती तो लेकिन स्विम सूट मैं लेकर निकली थी क्योंकि हम पहली बार गए थे वहाँ पे तो उसके बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे एक पार्क भी है तो मैंने सोचा पार्क में चल के देखते हैं तो मैं यहाँ सीढ़ियों से ऊपर गई और मैंने देखा ये दो स्लाइड्स थी जिसमें से मैं आई और मेरे को वैसे ऐसी ऐसी स्लाइड्स अच्छी नहीं लगती क्योंकि मेरे को ऐसा अच्छा लगता है है इसमें लेकिन ये वाली बहुत मज़े वाली थी और ये मैं मेरे को पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ और यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे जिनको पूरा करने में, में मेरे को बहुत मज़ा आया और मैं बस यही कर रही हूँ बार बार लेकिन आगे जाके ऑब्स्टिकल्स हो हार्ड होते रहेंगे लेकिन ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था क्योंकि मैंने ना सैंडल्स डाले हुए थे तो उससे बैलेंस भी बन रहा था अगली बार मैं शूज डाल के जाऊंगी वहाँ में उसके बाद मैंने बीम करी उसके बाद नीचे गए और यहाँ पे ना बहुत 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 ग्रीनरी है उसके बाद हम चलते चलते आ गए बाहर और देखो मैंने क्या देखा कितने छोटे छोटे से पाइन ऐपल यही पाइन ऐपल बहुत बड़े हो जाएंगे बाहर थोड़े दिनों में सालों में बड़े हुए उसके बाद हमने ये देखा ये रात को ना लाइट्स ऑन होती हैं इसमें तो ये बहुत अच्छा लगता है लेकिन ये बहुत स्लो चलता है उसके बाद हमने देखी स्टैचूज जो कि बहुत अच्छी रही थी मेरे को इट्स कूल cool. और यहाँ पे ये डेकोरेशन के लिए बहुत बहुत सारे लाइन्स करे वे, करे हुए थे और आपको पता सिंगापुर का नाम सिंगापुर कैसे पड़ा क्योंकि जब यहाँ का फर्स्ट राजा था उसने पहले एक लाइन देखा था इसीलिए क्योंकि सिंगा यू नो सिंगापुर कम्स अ संस्कृत वर्ड और यहाँ पे हमने फिर द्वारा बहुत सारे स्टैचूज देखे और सबके तो इसके साथ फोटोज थे हमने लेकिन वीडियो बनाई उसके बाद हम चल के चल के आ गए सिल्वर गार्डन में लेकिन एक चीज थी यहाँ पे मेरे को कुछ सिल्वर नहीं दिखा <ś> यहाँ से बे और गार्डन बाय बे का दोनों का व्यू आ रहा था उसके बाद हम द्वारा चलने लग गए उसके बाद हमने देखे बहुत अच्छे अच्छे से फ्लावर्स उसके बाद हमने देखे बहुत अच्छे अच्छे से एंड चल के चल के द्वारा आ गए हम एक्टिव गार्डन में एक्टिव गार्डन में हमने ये सैटर देखा बेकी बनी का मैंने इसके साथ फोटो खिंचवाया क्योंकि मेरे पास इसका स्टिकर था इसलिए और फिर हम दोबारा चलने लग गए यहाँ पे आप जरूर आना अगर आप सिंगापुर आओगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने की उसके बाद हमने देखे ब्यूटीफुल से फ्लावर्स यहाँ जाके को बोटेनिक गार्डन्स की याद आ जाती है क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं और फ्लावर्स हैं और वहां पे भी हैं फिर हम चल के चल के यहाँ पे आ गए यहाँ पे भी बहुत बहुत सारे फाउंटेंस थे गार्डन बार दबे में बहुत सारे फाउंटेंस हैं बहुत सारे उसके बाद हमने ये ड्रैगन फ्लाई देखी जो गार्डन बार दबे का लोग है वो एक ड्रैगन फ्लाई ही है और दूसरी साइड लोग फोटोज क्लिक करवा रहे थे अपनी और फिर हमने दोबारा वीडियो बनाई यहाँ पे या। या। या पानी के अंदर भी स्टैचू खड़े हैं वाओ ये ये ना बहुत रिलैक्सिंग और पीसफुल था उसके बाद हम आ गए हैं मोस्ट ऑफ आर इंडिया तो मैंने यहाँ से कुछ लेना था लेकिन मेरा आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड और फिर मैं डॉल्स की तरह देखने लगी जबकि मैंने ली नहीं और यहाँ पे बहुत ही बहुत प्यारी 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 सी डॉल्स पड़ी थी और यहाँ पे बहुत सारी कार्स भी पड़ी थी और यहाँ पे बोर्ड गेम्स भी थी यहाँ पे हर एक टाइप के गेम्स थे और इनमें मैंने है लिया खुलाहू जिसको आपको खुद ही सेट करना पड़ेगा थैंक वॉचिंग बाय डू